Hello everyone, welcome to Arman classes and please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. Student, आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपना करंट अफेयर का पोर्शन. मैंने आपको बताया था ये कंपाइल वीडियो है जैन मंथ से लेके मई तक, तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लग रहे हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू अवर एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग. जो जो भी हैं ये मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगी. और जैन मंथ से जितने जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक के सारे करंट अफेयर्स वो मैं आपको कवर करवाऊंगी. सो स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का जो लेक्चर है. उस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड महेंद्र गिरी एज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट. इनमें से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो स्टूडेंट, ये जो स्टेट है ये है ओडिशा. ओडिशा ने जो है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है के से प्रस्तावित किया है. स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है महेंद्रगिरी एज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट. स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी प्लेसेस हैव इंडिया स्लिप्ड 28 प्लेसेस इन द लिस्ट ऑफ 156 कंट्री इन द ग्लोबल सेक्स रेशियो रिपोर्ट 2021. ग्लोबल सेक्स रेशियो रिपोर्ट 2021 में 156 जो कंट्रीज हैं उनकी सूची में भारत ने कितने स्थानों पर 28वां जो स्थान है वो खिसक लिया है? तो स्टूडेंट, इंडिया ने जो है 114th जो प्लेस है वो उतना जो भारत है वो मतलब खिसक गया है, उससे जो है वो स्लिप्ड कर गया है इंडिया इन द ग्लोबल सेक्स रेशियो रिपोर्ट 2021 में. तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन फॉर एनिमल हैज बीन रजिस्टर्ड. इनमें से किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला COVID-19 वैक्सीन जो है वो पंजीकृत किया गया है? जो जानवरों के लिए जो वैक्सीन है वो अभी रशिया में जो है वो पंजीकृत हुई है. रशिया जो है वो वर्ल्ड का पहला जो है वो कंट्री बना है जिसने एनिमल्स जो वैक्सीन है वो रजिस्टर्ड की है, वो बनाई है. विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है लॉन्च द मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन. किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये जो स्कीम है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैंपेन जो है वो है स्टार्ट किया है? तो वो ये स्टूडेंट है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश स्टेट के जो CM हैं उन्होंने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है. हु हैज़ इनवाइटेड PM नरेंद्र मोदी टू लीडर समिट ऑन क्लाइमेट. जलवायु पर लीडर समिट में PM नरेंद्र मोदी को किसने आमंत्रित किया है? किस जो जो लीडर हैं जिन्होंने उन्हें जो है इसके लिए इनवाइट किया है? तो स्टूडेंट वो हैं जो बाइडन. जो बिडन ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था फॉर इस क्लाइमेट जो समिट हुआ था लीडर समिट उसके लिए. गर्ल गैंग हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022. ICC वर्ल्ड कप 2022 विल बी होस्टेड इन विच कंट्री. ये जो ICC वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जो होने जा रहा है होगा उसकी मेज़बानी जो है वो कौन सी जो है कंट्री जो है वो कर रही है? तो स्टूडेंट उसकी जो मेज़बानी है वो न्यूजीलैंड कर रहा है. 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा वुमेन वर्ल्ड कप उसकी जो मेज़बानी है वो न्यूजीलैंड करेंगे. डैश विल पार्टिसिपेट इन फ्रांस लेड नेवल ड्रिल अप फिरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बे ऑफ बंगाल नेक्स्ट मंथ. अगले महीने बंगाल की खाड़ी में पहली बार फ्रांस के नेतृत्व वाली नौ सैनिक ड्रिल लॉ प्रोज में भाग लेगा. तो ये कौन भाग लेगा स्टूडेंट? तो ये जो है इंडिया जो है इंडिया जो है वो भाग लेंगे इस जो है ये पहली बार जो बंगाल की खाड़ी में फ्रांस के नेतृत्व वाली नौ सैनिक ड्रिल लॉ प्रोज जो है उसमें जो है इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा. What was the theme for the 6th edition of Resina Dialogue inaugurated by PM Modi? PM जो मोदी हैं उनके द्वारा उद्घाटन किए गए रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण के लिए विषय क्या था? उसका जो थीम था वो क्या था? उसका थीम स्टूडेंट था वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल. ये जो है ये उसका थीम था. थीम फॉर द 6th एडिशन ऑफ रेजीना डायलॉग इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी.
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए 14 डे मास्क अभियान इनिशिएटिव टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 किस राज्य ने जो है कोविड-19 के जो प्रसार को रोकने के लिए एक 14 दिवसीय मास्क अभियान पहल शुरू की है? तो वो कंट्री है जो कंट्री सॉरी वो स्टेट जो है वो ओडिशा है। ओडिशा वो स्टेट है जिसने ये जो है 14 दिन का जो ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था। रिसेंटली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर वर्चुअली लॉन्च ए मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऐप? अभी हाल ही में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने वास्तव में एक मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस ऐप का जो है वो नाम क्या है, उस ऐप का आपको जो है नाम बताना है। तो मानस जो है वो इस ऐप का नाम है जो अभी अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने वास्तव में ये मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है मानस। हु हैज़ बीन लॉन्च द ई संता एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर एक्वा फार्मर। एक्वा फार्मर के लिए जो एक्वा किसान हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई संता किसने लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट ये जो है लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने जो है इसे लॉन्च किया है। विच कंट्री हैज एक्सकोवेटेड 3000 ईयर्स ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी रिसेंटली? किस देश ने हाल ही में 3000 साल पुराने सिटी लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की है? स्टूडेंट इजिप्ट ने की है। इजिप्ट में हाल ही में जो है 300 ईयर्स ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी जो है वो रिसेंटली जो है वो उसको एक्सकोवेट किया है, उसकी खुदाई की है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इशूड इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स? किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये जो स्टूडेंट जो ये सिटी है ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद ने के जो नगर निगम है उन्होंने पहला भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया है। इज़ द फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स जो इशू किया गया है गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से। हु हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट लीडिंग एक्टर एट द 74th एडिशन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा अवार्ड्स 2021? इसके जो हैं वो बेस्ट एक्टर जो हैं वो थे एंथनी हॉपकिंस को बाफ्टा में बेस्ट लीडिंग एक्टर्स के अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड नोरा अल मातरुशी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? इस किस देश ने नोरा अल मातरुशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नामित किया गया है, इस फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट जो एस्ट्रोनॉट है इनकी? तो वो स्टूडेंट कौन सी कंट्री है, वो यूएई है। यूएई ने नोरा अल मातरुशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो नामित किया गया है। विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? इसमें से किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है? इनमें से किन को जो है इसके लिए चुना गया है? तो द्युति चंद जो हैं उनको छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार के उद्घाटन संस्करण के लिए चुना गया है, द्युति चंद को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? स्टूडेंट ये जो अपॉइंटमेंट होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो प्लीज़ आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अभी नए जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको अपॉइंट किया गया है फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के न्यू डायरेक्टर जनरल हैं जो है अभी बने हैं वो है सिद्धार्थ लॉन्गजम जो है, जो अभी जो अपॉइंट हुए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द प्रेजिडेंट? स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया का अभी जो है नियुक्त किया गया है? वो स्टूडेंट है सुशील चंद्र को हाल ही में जो है अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पंजाब स्टेट्स कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर? पंजाब राज्य के कोविड टीकाकरण राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टूडेंट जो ये हैं ये
सोनू सूद जो हैं उनको अभी हाल ही में जो पंजाब स्टेट कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटेड हु हैज़ बीन नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर ए सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द 2021 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एलमनैक। विजडन क्रिकेटर एलमैनिक के 2021 संस्करण में लगातार दूसरे वर्ष दुनिया में अग्रणी क्रिकेटर का नाम किसने लिया। तो स्टूडेंट ये जो है जो दूसरी बार जिनका नाम लिया गया है वो है बेन स्टोक्स। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज द मेमोयर बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये किस की जो है मेमोयर बुक है, एक संस्करण जो कहते हैं आप संस्मरण जो पुस्तक है वो किस जो है ये क्रिकेटर की है। तो ये स्टूडेंट है सुरेश रैना की जो है ये क्रिकेट है। विश्वास करो व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये जो है ये सुरेश रैना की जो है ये बुक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी असेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब इंडेक्स रिलीज्ड बाय फेसबुक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जो है अभी विश्वव्यापी वेब इंडेक्स तक पहुंचने में इंटरनेट समावेश और लैंगिक समानता में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो भारत की जो रैंक है वो है स्टूडेंट 49 जो है स्थान पे है जो है भारत है किसमें ये जो जारी की गई थी वो EIU द्वारा जारी की गई थी और ये विश्व का सबसे व्यापी वेब इंडेक्स तक पहुंचने में इंटरनेट समावेश और लैंगिक समानता में विश्व स्तर पर बात की रैंक जो है वो है 49 रैंक पे जो भारत है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है स्टूडेंट। तो ये जो है ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व का वर्ल्ड होम्योपैथी डे। नीति आयोग हैज लॉन्च्ड ए नेशनल डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस नीति आयोग हैज लॉन्च ए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी एक जो है नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार शुरू किया है डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इस जो रिपोजिटरी है इसको क्या नाम जो है वो दिया गया है तो इस रिपोजिटरी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है पोषण ज्ञान। ये अभी नीति आयोग ने लॉन्च किया है एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तो इसका जो नाम है वो है पोषण ज्ञान। जेंडर संवाद इवेंट वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री जेंडर संवाद कार्यक्रम जो है वो अभी किस मंत्रालय ने जो है इसका शुभारंभ किया है इसका शुभारंभ किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसका जो है इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा को स्केल करने वाली भारतीय पहली भारतीय महिला कौन बन गई है स्टूडेंट इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो क्योंकि आपके जो है फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया ये जो है आपका जो सिलेबस में अलग से मेंशन है तो सो प्लीज़ ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को जो है को स्केल करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो स्टूडेंट ये जो महिला बनी है इनका नाम है प्रियंका मोहिते जो है वो भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं तो ये मैं आपको कंटिन्यूस करवाती रहूँगी ये अब रोज़ जो है मॉर्निंग में जो है ये करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो अदर वीडियोस हैं अदर पोर्शंस हैं वो भी हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और ख़ुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो और वीडियोज़ आएंगी वो भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।